नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। रुक करते हैं खबरों का, तो बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां नरसिंहपुर में कोरोना वैक्सीनेशन में एक रिकॉर्ड बना है। नरसिंहपुर को जहां मध्य प्रदेश शासन से 27,800 डोज कल 31 जुलाई के लिए प्राप्त हुए थे, तो कल रात 8 बजे तक 28,766 डोज लगाए गए हैं, जो कि अभी तक के वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जी हाँ, नरसिंहपुर में जहाँ कल 31 जुलाई को किए गए वैक्सीनेशन में नरसिंहपुर ने अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा छुआ है। जी हाँ, कल 28,766 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि जिले में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में वैक्सीनेशन की संख्या 28,000 के पार पहुँची है। आपको बता दें, नरसिंहपुर जिले में कल 94 केंद्रों पर टीकाकरण होना था, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा नरसिंहपुर जिले को 27,800 डोज प्राप्त हुए थे। लेकिन देर रात मिली जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर जिले ने अपने लक्ष्य 27,800 की जगह 28,766 वैक्सीन लगाई गई, जो कि कुल वैक्सीनेशन का 103.5% है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नरसिंहपुर जिला कलेक्टर वेद प्रकाश ने इस उपलब्धि पर सभी संबंधितों को बधाई देते हुए बताया कि टीम भावना से जारी वैक्सीनेशन अभियान में आज 28,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया, जो कि एक दिन में वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी संख्या है। ऐसा अभियान में जुड़े सभी शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रेरक और वॉलेंटियरों को बधाई देते हुए जिला कलेक्टर वेद प्रकाश ने उक्त जानकारी PRO मीडिया ग्रुप के माध्यम से सार्वजनिक की। जब इस मामले में अभियान की नोडल अधिकारी अंजना त्रिपाठी से बात की गई, तो उन्होंने इस उपलब्धि के लिए जिला कलेक्टर वेद प्रकाश का कुशल नेतृत्व, मॉनिटरिंग और कार्य में लगे जिले के स्वास्थ्य अमले को मुख्य कारण बताया। साथ ही उन्होंने भी सभी को धन्यवाद और बधाई दी।